बिजली कटौती का मैसेज भेजकर लोगों के साथ ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। मोबाइल, डेबिट, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद। दक्षिणी जिले की साहिबा पुलिस थाने की टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को बिल भेजकर लोगों से कहता था कि आपकी पेमेंट की लास्ट डेट खत्म होने वाली है, बिल जमा करा दे नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। इस तरह से व्हाट्सएप मोबाइल पर संदेश भेजकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 20 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, पासपोर्ट सहित कई अन्य सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश चंद्र पुत्र भूरे लाल निवासी सेक्टर द्वारका के रूप में की गई है। मूल रूप से आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फैजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। दक्षिणी जिले की पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायतकर्ता ने सागर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि प्रिय ग्राहक, आपकी बिजली आज रात 9:30 बजे बिजली कार्यालय से काट दी जाएगी, क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ है। कृपया हमारी ग्राहक सेवा से तुरंत संपर्क करें। बाद में शिकायतकर्ता को जालसाज का फोन भी आया, जिसने अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रिसिटी APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। APK फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करने पर रुपए के 2 लेन देन हुए, 49,850 और 49,645 शिकायतकर्ता के बैंक खाते से डेबिट किए गए। इस संबंध में शामिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए ACP राजेश कुमार ने सागर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें SI संदीप सैनी, हेड कांस्टेबल विकास परवीन, अनिल कुमार को शामिल किया गया। जांच के दौरान टीम ने उन बैंक खातों का विवरण एकत्र किया जिसमें राशि को ट्रांसफर किया गया था। जांच में यह पाया गया कि ठगी की गई धनराशि को विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर किया गया। उन क्रेडिट कार्ड खाताधारकों का ब्यौरा एकत्र किया जिसमें ठगी की राशि को ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण की मदद से मोबाइल नंबर का विवरण प्राप्त किया गया, जिससे कॉल प्राप्त हुई थी और काफ़ी छानबीन करने के बाद आरोपी की पहचान की गई। द्वारका क्षेत्र में उसके स्थान पर छापेमारी कर आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकिंग सहित कई अन्य सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। शहनवाज खान की खास रिपोर्ट।